Spirit was here. Yeah.
बताइए, बाबा जी एक वक्त में सब देख रहे हैं 8 बजे बैठ करके एक चैनल, सबके यहाँ आ रहा है, तो बताइए चला दुनिया ने तरक्की किया तो स्क्रीन तक महदूद कर दिया, यही तो फर्क है दुनिया में और आले मोहम्मद में। दुनिया में और आले मोहम्मद में यही फर्क है कि दुनिया ने स्क्रीन तक महदूद किया है, स्क्रीन तक अगर आले मोहम्मद वो है इसे मैं वादा कर लिया मेरे मौला ने, सामने वाला आके कहता कितने खुशकिस्मत है आज अली ने मेरे यहाँ इफ्तार किया, दूसरा कह रहा मेरे यहाँ, तीसरा कह रहा मेरे यहाँ, हर दूसरे ही दूसरे को कह रहे तुम सबसे बड़े झूठे, तुम सबसे बड़े झूठे, तुम सबसे बड़े झूठे, वो कहे तो ठीक है हम कहे झूठे तो नहीं, ये भी तो हम कहे तो नहीं है, सब एक दूसरे झुटला रहे हैं। रसूलुल्लाह आ गए क्या हुआ, कहिए कह रहे हमारे यहाँ, हम कह रहे हमारे यहाँ, वो कह रहे हमारे यहाँ, इतने में उधर से जिब्रील आ गए, ए मेरे हबीब से कह दो कि आज अली अर्श आला पर उतार, आज अली अर्श आला पे इफ्तार कर रहे थे, वहां इफ्तार कर रहे थे जितनों ने बुलाया था सब अपने दस्तरखान पे ले गए। इतने काम
घबरा सवार नहीं कर सकती। किसी ने आगे कहा, अली बोला अली बुलंद है। किसी ने आगे कह दिया अली बुलंद है। जैसे का अली बुलंद है, पलट करके सामने वाले ने कहा मत कहो अली बुलंद, ये मत कहो कि अली बुलंद है। कभी कहा कहो अल बुला में अली, ये बुलंदिया अली की वजह से बुलंदिया अली की वजह से बुलंद है। और ये कहे देख के आप चले जाए, जितनी चीजें आपको बुलंद नजर आए वो अली की वजह से, वो अली की वजह से बुलंद है। सारी चीजों उसी मेरे मौला ने हाथों को बुलंद कर दिया। आप अपने पढ़ा एक बुला छुड़कर एक भैया तीन 100,000 खड़ा हुआ था उसको, क्यों इसलिए ताकि उसके बाद से जो बच्चा रहा था वो भी सोच रहा और करवाया तो उसे अपने जमाने में सबसे पहले साहब ने हर कबीले के हसब और नसब से वाकिफ था। कहाँ ये घर आना है, कौन सा है, कब नहीं कल आपका कहाँ लेकर के जनाब अमीर आए। आने के बाद आवाज दी निजाम से कि हम आपकी बेटी फातिमा का रिश्ता लेकर आए, अपने भाई से अपने भाई का रिश्ता लेकर। जैसे कहा सोच रहे थे निजाम, हाँ ठीक तो उसको उसके बाद बदल को अब अपनी बेटी से नहीं पूछ, खुदा इस सीरत को अपनाने की तौफीक इस सीरत को अपनाने की तौफीक दे। बाप को कतान यह अख्तियार नहीं है कि अपनी मर्जी से रिश्ता करके बेहद बेटी के बताए। हमारे पास इसका है एक किताब है खानदान का इखलाक, एक किताब है शरीकी हयात के अंदर शरीकी हयात का इंतकाम। दोनों किताबें हमारे पास प्रदर्शन है, आप उनकी दुआएं पूछो उससे बोलो अख्तियार जरा उससे भी पूछ ले। हिसाम ने कहा जैसे कहा उससे पूछ ले। अंदर गए अकेले बाहर बैठे हैं, अंदर जाकर के फातिमा से कहा और अब जो कहा मैंने फातिमा बार बार कह रहा हूं इसलिए जिनकी तारीफ पर नजर बोला है कहना की माँ का नाम फातिमा, रसूल की बेटी का नाम फातिमा, चौथे इमाम की जोजा का नाम फातिमा, पांचवे इमाम की माँ का नाम फातिमा, हुसैन ने अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखा, रसूलुल्लाह की दादी का नाम फातिमा। तो तफसील में मुझे नहीं जाना, बल्दियत बदलती गई। फातिमा से सवाल किया अपनी बेटी से जाके के सामने बाप है, जाने के बाद कहा रिश्ता लेके आए हैं तीन बनी हाशिम के अपने भाई का, उनके भाई का नाम अली है। जैसे ही कहा एक बार तो मुस्कुरा के कहा जवाब दिया बाबा मैं भी सोच रहे हो मेरा भी यही मेरी भी तमन्ना है, मेरा शौहर जो है वो मेरे से नसीर हो बाबा कबूल कर, कबूल हो गया रिश्ता अब्द हो गया। अब जो आई है एक मरतबा जैसे ही पहले पहुंची उतारे कर दिन चौवन जो आते ही चौखट का भूसा ले ले फिर अंदर जाके आवाज दे बच्चों मेरे माँ
फातिमा फातिमा है, मैं और लोगों को और। अब अल्लाह ने हमने ये देखा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत, और जो जनाब अब्बास की विलादत थी सर जब भी सी तो हमने ये देखा जैसे विलादत और ये कह जाता है आप उसमें लिया। अगर अब सवाल किया जाए शख्सियत अब्बास हमने मतलब सोच लेते हैं किधर से चले कैसे चले। माना जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम और कहना की विलादत में सबसे पहले जब देखा तो किसको देखा, सबसे पहले जो देखा वो रसूलुल्लाह चेहरे रिसालत की तो देखा। अब्बास आए सबसे पहले किसको देखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लफ्ज़ अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए थोड़ा सा तो कहा जा सकता है कि गुलाम ने आका को गुलाम ने आका को देखा पहले जैसे मैंने मौला कह जाती था। मैं फातिमा बिन्त असद नहीं कहा था न जाने कैसा बच्चा है दूर रह गया रसूल ने कहा लाओ तो लिया अपनी जबान और जब आपने जबान दिया तो हमने ये देखा कि पहली हैजा और कायनात की लावे रिसालत है। अब्बास की पहली हैजा लावे इमामत है, लावे इमामत है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मरतबा अली की लड़ाई हो रही शहजादी अली माए मारने के लिए लाइए मेरे लाल के मेरे माते मेरे अमल लड़ाई हो रही है और जो दिया सैनम ने देखा देखने के बाद काफी देर और देखने के बाद अपने लाल अब्बास के करीब ले गए और आवाज दी अब्बास मेरी माँ फातिमा अलैहिस्सलाम। हिंदी से
खाने के बाद अपने जहन में रखा, रखने के बाद इमाम ने निकाला। जाहिर सी बात है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ रखेंगे तो थोड़ी देर जो हवा लगेगी ना, जितना अंदर था उतना तो नहीं, उतना तो नहीं है ना, थोड़ा सा सूखा भी है। इमाम ने फरमाया तो हाशिम से अपने जहन में रख लो। अब हाशिम ने रखा, इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया से चूसो। उसके बाद इमाम ने फरमाया निकाल के फेंक दो। अब इमाम ने जैसे कहा फेंको, फेंका। अब हाशिम कहते हैं उस अंग्रेजे में न जाने क्या था, रखना ही था दहन में, कि 70 जबानों में माहिर समझ रहा था, 70 जबानों में अपने को माहिर पा रहा था। तो पता चला जो इस अंग्रेजे से के जरिए से लाभ दिया जाए वो 70 जबान का होता है। जो लाभे रिसालत, लाभे इमामत बराहे रास्त चूसे, उसके इल्म का अंदाजा ना आप लगा सकते हैं ना आप लगा सकते हैं। जनाबे अब्बास की कैफियत क्या है, थोड़ा सा बड़े हो जाए, 5 साल की उम्र, कितने 5 साल, जो 5 साल की उम्र थी कितना पढ़े थे उसमें यह है कि जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम घर में जो दाखिल हुए ना, आए माँ ने सवाल किया, बिलाल कहाँ गए थे, अब्बास कहाँ गए थे, बाबा हम हाजिर हैं।
और सूरत और सीरत थोड़ी देर के बाद मैंने
Yeah.